यूं तो कैंसर से बचने की कई सलाह दी जाती हैं, लेकिन तब क्या होगा जब कोई कहे कि कैंसर होने के कई कारण हमारे जीवन के शुरुआती सालों में ही हमारे शरीर में आ चुके हों, या फिर जन्म से पहले ही हमारे शरीर में आ गए हों। ब्रिगहम एंड विमेंस हॉस्पिटल और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में कहा गया कि जो लोग 1990 के बाद पैदा हुए हैं उनमें कैंसर का खतरा ज्यादा है, बजाय उनके जो 1970 में या इसके बाद पैदा हुए हैं। यानी 50 की उम्र से पहले ही लोगों में कैंसर का खतरा रहता है। ब्रिगहम ने 14 तरह के कैंसर पर स्टडी करके पाया कि 50 की उम्र से कम के लोगों में कैंसर का प्रभाव 50 से ज्यादा उम्र के लोगों की तुलना में अलग होता है, या यूं कहें कि ज्यादा खतरनाक होता है। क्या है कैंसर होने के कारण? रिसर्च के मुताबिक कैंसर होने का कारण लाइफस्टाइल है, यानी कि हम क्या खाते हैं और क्या पीते हैं और हमारा पर्यावरण कैसा है। मोटापे को भी कैंसर के लिए जिम्मेदार माना गया है, साथ ही न्यूट्रिशन की कमी से भी कैंसर हो सकता है। वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं में न्यूट्रिशन की कमी से बच्चे को कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए जरूरी है कि अपने लाइफस्टाइल में बदलाव किए जाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखा जाए।